Okay, everyone, a very good afternoon, everyone, my students and my friends. Now quiz season starts. RAM stands for, RAM किस लिए stand करते हैं हम लोग, उसको बताना है कंप्यूटर में. यहाँ पे आप अगर देखें तो प्राइमरी मेमोरी का दो टाइप होता है, एक RAM होता है, एक ROM होता है. तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RAM. रीड एसेस मेमोरी, रैंडम एसेस मेमोरी, बोथ वन एंड टू. कमेंट में आप जवाब देंगे, गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस. हम लोग सब जानते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है. आई थिंक 3 to 5 एवरी स्टूडेंट इज नोइंग दैट आंसर. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल ऑफ द एबल. तो इसमें से कौन सा या कौन से डिवाइसेस है जो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में, है ना, एज ए इनपुट के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं. राइट इट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीपीयू कंसिस्ट ऑफ. सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है. एलयू प्लस यू. एलयू मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट. रैम रोम आर टू पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. देन अगेन रैम प्लस एलयू, रोम प्लस सीयू. तो आपको आंसर बताना है कि सीपीयू के अंदर में क्या क्या होता है. हाँ, व्हाट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ. वेरी इजी, यू कैन गिव आंसर इन द कमेंट बॉक्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ये तो हमको लगता है सब लोग तुरंत लिख देंगे कमेंट बॉक्स पे कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है दैट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इनपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टेपर मोटर, नन. ये तो आप लोग सब जानते ही हैं. आई थिंक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हैव नोइंग दैट आंसर. राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक एंड रिप्लाई. नाउ Now moving to the next question. Bits stand for. Bits किस लिए stand करता है. Binary digits, bin digits, bin file, none of the above. तो यहाँ पर आपको bits का full form बताना है. तो आप इसको कर सकते हैं easily. कौन कौन सा होता है ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं. 0 और 1 दो आपका digit होता है जो bits में आता है, बाइनरी नंबर में आता है. गेस करके बता सकते हैं आप. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड. आप कीबोर्ड में देखते होंगे एरो कीज होता है क्योंकि आपके राइट साइड में होता है, है ना, नंबर कीज के लेफ्ट में. तो वहाँ आपको काउंट आपने किया होगा कि कितना नंबर ऑफ एरो कीज है. तो यू हैव टू रिमेंबर एंड राइट इट इन कमेंट बॉक्स इन योर आंसर कि कितना कीज होता है कीबोर्ड में, है ना. हाउ मेनी एरो कीज इन द कीबोर्ड. जस्ट राइट इट, डू फास्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड. कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं. जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हमारे पास होता है उसमें अगर आप लोग काउंट किए होंगे, इफ यू हैव काउंटेड, तो यू कैन फाइंड हाउ मेनी कीज ऑन कीबोर्ड. तो यहाँ पे एक जनरल आंसर है जो आपको देना है. कीबोर्ड में उतना कीज़ ज़रूर होता है, ऐसे तो और भी ज़्यादा कीज़ होते हैं, बट इसमें से एक करेक्ट आंसर है वो आपको चूज़ करके कमेंट बॉक्स पे लिखना है. सो राइट इट, प्रैक्टिस इट. इस क्विज़ को ज़रूर आप लोग अटेम्प्ट करें, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्ज़ाम. द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड. स्टूडेंट एवरी वन इज नोइंग आई थिंक दैट कंप्यूटर नोज ओनली वन थिंग दैट इज़ 0 और 1. उसको एक ही इंफॉर्मेशन पता होता है दैट इज़ 0 और 1. उसी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो वर्क करता है. तो वो कोडेड इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं. एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम या नन ऑफ एबव. तो ये आपको लिखना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is the main memory of computer is also known as. जो main memory होता है computer system का
उसको और हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें बताना है कि जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर सिस्टम का, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज, है ना? तो ये आप कमेंट बॉक्स पे लिखें बच्चों, स्टूडेंट चिल्ड्रन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का एग्जाम्पल, हार्डवेयर क्या होता है पहले समझ लो। हार्डवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन बी टच एंड फील, जिसको हम लोग टच और फील कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेशन मैंने बता दिया है, तो यू कैन ईजली आंसर इट, फाइंड द राइट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर। सॉफ्टवेयर का कितना टाइप्स होता है? वन टाइप, टू टाइप, थ्री टाइप्स और फोर टाइप्स। ये आप लोग टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन के बच्चे तो ईजिली तुरंत बताएंगे, आई थिंक कमेंट बॉक्स में लिखना चालू भी कर दिए होंगे, है ना? फास्ट आप टाइप करें, आई विल आंसर इट, सॉरी आई विल करेक्ट इट इफ़ यू गिव रॉन्ग आंसर। जस्ट गो थ्रू इट, फाइंड द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर? वन, टू, थ्री एंड फोर, यू हैव टू आंसर। ALU is part of memory. ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इट इज़ द पार्ट ऑफ CPU. CPU का ये पार्ट होता है। तो ये आपको बताना है, ALU क्या इस पार्ट ऑफ मेमोरी, क्या ALU पार्ट है मेमोरी का? ट्रू, फॉल्स, बोथ ट्रू फॉल्स या नन। तो इसको ध्यान से बच्चों आंसर करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया है मैंने कि ALU जो है क्या वो पार्ट होता है मेमोरी का। थिंक अबाउट इट। टाइप्स ऑफ रैम, है ना? रैम का कितना टाइप्स होता है ना? एक हो गया आपका एस रैम, दैट इज़ स्टैटिक रैम। दूसरा है डी रैम, दैट इज़ डायनेमिक रैम। बोथ नन। तो इसमें से क्या दोनों है, नन है, स्टैटिक रैम है या डी रैम है? ये आपको टाइप्स बताना है रैम का। यू हैव टू आंसर, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई थिंक एवरी वन इज़ गिविंग द आंसर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर गिविंग आंसर वेरी नाइसली। Can now moving to the next question, the length of IP address is, IP का full form होता है internet protocol address। मैंने class में बहुत बार बताया है सबको बच्चों, और YouTube में भी बताया है मैंने पहले वाले वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस में। IP address का length क्या होता है? 16 bit, 32 bit, 64 bits या 128 bits? तो ये आपको answer करना है। Next question is द शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। जो हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? माउस से भी हम लोग करते हैं, लेकिन शॉर्टकट की क्या होता है? यू हैव टू राइट, F2, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या सेफ कंट्रोल। यू हैव टू आंसर शॉर्टकट की फॉर ऑफ फोल्डर क्रिएशन।